वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। डिजिटल सर्किट एंड सिस्टम की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। मींस हमें कोई नंबर बाइनरी फॉर्मेट में दिया होगा और हमें उसे ऑक्टल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। जैसे हमें मालूम है बेस बाइनरी का क्या होता है 2 और ऑक्टल का बेस क्या होता है 8। ओके, सो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 to power 3 लिख सकते हैं। ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट्स करते हैं, ठीक है? ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट्स। ओके, ये ग्रुपिंग कैसे करते हैं 3 बिट्स की? LSB से करते हुए हम MSB तक जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। बाइनरी दिया हुआ है 101101001। ओके, ये क्या है अपना, ये है अपना LSB, ये क्या है अपना MSB, ठीक है? तो हमें क्या करना है, ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट्स करनी है। तो 1 bit 2 bit and 3 bit, ये एक ग्रुप बना, ठीक है? दूसरा ग्रुप कौन सा बना, 1 bit 2 bit 3 bit। ओके, तो ये दूसरा ग्रुप बन गया। फिर 1 2 3, ये तीसरा ग्रुप बन गया, ठीक है? सो ये ग्रुप बने बाइनरी बिट्स के, कितने बिट्स के, 3 3 bits। ओके, सो ये क्या हुआ, LSB to MSB। अब इन सब ग्रुप के इक्विवेलेंट ऑक्टल लिखने हैं हमको, तो वो कैसे लिखेंगे हम, डिकोड बाय 4 2 1 करेंगे। ओके, तो देखिए 4 2 1 लिखिए, पहला क्या है 001। ओके, इसके नीचे लिखिए 001, ये क्या मिल रहा है अपने को, सिर्फ 1 मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल क्या हो गया, 1। ओके, ये देखिए 101, तो क्या लिखिए 101, तो ये क्या हो गया 4 plus 1 5, ठीक है? तो ये क्या लिखिए, 5 लिखिए, ठीक है? अगला क्या है 101 फिर से, ठीक है? सो 101, ये भी क्या है 4 plus 1 5। ओके, सो क्या हो गया, ये भी 5 हो गया, ठीक है? तो इससे हमें क्या मालूम चला कि 101101001 अगर बाइनरी फॉर्मेट में है तो उसका ऑक्टल फॉर्मेट क्या हो जाएगा, 5 5 1, ये क्या हो जाएगा ऑक्टल फॉर्मेट। ओके, आई होप ये समझ में आया आपको। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है? इस एग्जांपल में हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट भी है, ठीक है? इस एग्जांपल में हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट भी है। ओके, ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फिर सेम वैसे ही लिख दीजिए, 101 10, ओके, 0.0101। ओके, तो देखिए ये बाइनरी पॉइंट जिसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, उसके पहले का रूल इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया, 3 3 का पेयर्स ले लीजिए, ये पहला बन गया, और दूसरे में यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन पा रहा, तो यहाँ पे क्या है, 1 0 ऐड कर देंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो इसका क्या बन गया, फिर से 4 2 1 लिखिए इधर, 4 2 1, ये क्या है 1 1 0, मीन्स क्या हो गया ये 6, ठीक है? नेक्स्ट क्या है 0 1 0, ओके, तो ये क्या है 2, तो हो गया 2, तो ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 2, ओके? आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कैसे सॉल्व होगा, फिर 3 लीजिए, इसका लिखिए, फिर 3 का ग्रुपिंग कीजिए, तो आगे कुछ नहीं है, तो 0 0 ऐड कर दिए, ठीक है? अब देखिए फिर से 4 2 1 से ही होगा ये भी, ठीक है, 0 1 0, तो क्या हो गया ये, फिर से 2 आया ये, तो ये क्या है 2, और ये क्या है 1 00, तो क्या आया ये अपना आया 4, तो ये क्या हो गया 4। ओके, सो इससे हमें क्या मालूम चला कि 1 0 1 1 0.0101, ये अगर बाइनरी फॉर्मेट में है तो इसका ऑक्टल फॉर्मेट क्या हो जाएगा,
26.24, ये क्या हो जाएगा ऑक्टल फॉर्मेट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक छोटा सा डाउट यहां पे आ सकता है, इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे 421 के नीचे जब हम ये ऐसा लिख रहे हैं ना 101, तो इसका क्या मतलब है, 1 जिसके भी नीचे है उन सबको ऐड करिए, ठीक है। मतलब 4 के नीचे 1 है तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2, 1 के नीचे 1 है तो क्या हो जाएगा 1, तब ये जाके 5 आ रहा है, समझे। ये प्रोसेस इन सब में लग रही है। ओके, तो ये अपना क्या था, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द अपकमिंग वीडियोज ऑफ डिजिटल सर्किट एंड सिस्टम।